हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सिरोही समाचार में आपका स्वागत है। सिरोही में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड से आई कार को टैंकर ने भिड़ंत कर दी। भिड़ंत के दौरान कार में सवार चार लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। ये सभी मेले से दर्शन कर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह मामला सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रिको इलाके का है। वहीं इस घटना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। दरअसल बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग पाली जिले के बाली क्षेत्र के रहने वाले थे। ये लोग बुधवार को सिरोही में सारणेश्वर मेले में दर्शन कर बड़ौदा गुजरात जा रहे थे। शाम करीब 5:45 बजे फोर लाइन हाईवे पर रेको थाना क्षेत्र के मावल कट के पास अचानक से इस घटना को अंजाम मिला है। बताया जा रहा है कि एक बाइक कार के सामने आ गई थी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार कट से दूसरी तरफ रोड पर चली गई। गुजरात की ओर से आ रहे गैस टैंकर ने कार को भिड़ंत कर दी। भिड़ंत के दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई और सभी को निकालने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर ही भीड़ जमा हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर रिको थाना अधिकारी सुजाना राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।